नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी बहुत पुराना कंपनी भी है। जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को फर्स्ट स्टार्ट किए थे और एशिया के फर्स्ट लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। और इस कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ को मेंटेन करता है बाकी स्टील कंपनी से अगर कंपेयर करूं तो वो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे पेयर कंपनी के बारे में बात करूं, जीएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, तो इतने सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सैम स्टील है, जय बालाजी स्टील है, तो इतने सारे टोटल 12 कंपनी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। तो उनमें से लीडर कंपनी कौन है? जीएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि मार्केट कैप वाइज सबसे बड़े है जीएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील सेकेंड पोजिशन में है। तो टाटा स्टील का जो परफॉर्मेंस है, एक चीज को नोटिस करना, जो सेल्स का जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो टाटा स्टील में अच्छा खासा सेल्स हुआ है, कोई खराबी सेल्स नहीं है। हाँ सॉरी, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, मगर सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिला, नेगेटिविटी देखने को मिला। कर्जे के बारे में बात करूं तो जीएसडब्ल्यू स्टील से भी कंपनी का कर्जा थोड़ा सा कम है। और मजेदार बात यही है कि इस बार कंपनी ने क्या किया, एक स्टेप कंपनी खुद के कर्जे को कम किया। कितना कम किया चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछली बार कर्जा कितना था, कंपनी का जो कर्जा था करीबन 88,500 करोड़, उससे कम होकर 75,500 करोड़ बना था। और फिर से इस बार थोड़ा सा कर्जा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो मतलब कंपनी की जो 1 लाख से भी ज्यादा कर्जा था, 1,16,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का जो कर्जा था, वो कर्जे को कम करके अभी 84,000 करोड़ बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या सर, इतना ज्यादा कर्जा लिया क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो कंपनी 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अभी आदर्श एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का आपको एक चीज देखना है, क्या इन्वेंटरी ग्रोथ हो रहा है? अगर इन्वेंटरी का ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है। इन्वेंटरी का मतलब है जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा है। देखिए इन्वेंटरी कितना ग्रोथ हुआ, जो पिछले साल में था 48,000 करोड़, वो इस बार बढ़ के हो चुके 54,000 करोड़। मतलब इन्वेंटरी बहुत शानदार तक यहाँ पे ग्रोथ किया। उसी तरीके से अगर कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूं तो हाथ में कितना कैश है, पहले 15,000 करोड़ के आसपास कैश था, इस बार करीबन 10,000 करोड़ के आसपास कैश है, तो कैश भी है। कंपनी को ट्रेड कितना मिला, प्रोजेक्ट कितना मिला, प्रोजेक्ट मिला इस बार 6,700 करोड़, जो पिछले सालों में 12,000 करोड़ के आसपास मिला था। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिले हैं। बाकी क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी जो पिछले साल में लॉसेस किए थे वो इस बार वो लॉसेस को रिकवरी करके प्रॉफिट किया, और यही कारण के वजह से मैंने क्या किया इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो ट्रेड किस बेसिस में लिया आप देख सकते हैं, टाटा स्टील के ऊपर पहले एक ट्रेड बना था, एक कफ विद रेजिस्टेंस बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद रिटेस्ट किया और तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो सेकेंड जो एंट्री बना बहुत बड़ा एंट्री है, बहुत दिनों का एंट्री है, कफ विद रेजिस्टेंस बना, कब बना उसके बाद हैंडल पैटर्न बना, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अभी मुझे, मैं पहले बोल चुका हूँ यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है कंपनी के बहुत सारे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को वो फेस करने के लिए एक बार तो जरूर आएगा, इसको रिटेस्ट करके करने के बाद वो ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, जो मेरा जो व्यू है वो 210 रुपीज के आसपास है। देखिए मेरा व्यू मतलब मैं इस लेवल तक मैं वेट करूंगा, तो आप प्लीज इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इतना जल्द से जल्द टारगेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई में है और लाइफ टाइम हाई से और भी हाई करने के लिए कंपनी को थोड़ा सा और भी प्रेशर देना पड़ेगा। तो टाइम लगेगा, टाइम जब बढ़ेंगे तब इस कंपनी का धीरे धीरे करके ग्रोथ बनने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो के ऊपर फाइनली फिर से ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो चुके हैं, सॉरी फाइनली वो लेवल बन चुके हैं। वो लेवल किस तरीके से बना, देखिए पहले एक लेवल बना था जो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट किया और देखा जाए तो 58% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा था। तो 58% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा था और 58% के आसपास टारगेट भी हो चुके हैं।
और टारगेट बनने के बाद फिर से यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हैंड पैटर्न बना, और कफ विथ हैंड पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, और ब्रेकआउट करने का जब कोशिश कर रहा है, देखिए रिटेस्ट किया, नीचे आए, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा जर्नी और जाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बड़ा सा जम और जर्नी यहाँ पे देखने को मिले, इस लेवल को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर गए तो यहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 300 रुपीज के आसपास। 300 रुपीज के आसपास टारगेट मिले तो कितना टारगेट मिलने का चांसेस है, 75 रुपीज। तो इस टारगेट मिलने से पहले दो चीजों को कन्फर्म होना चाहिए। पहली बात, कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जो रेंज बना इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, और उसके ऊपर कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स अगर कन्फर्म करे तब मैं एंट्री लूंगा, उसके पहले एंट्री नहीं लूंगा। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, और जो इतने दिनों से कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो फाइनली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट किए थे फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 36 करोड़, अभी थर्ड क्वार्टर में 138 करोड़। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए जो लॉसेस है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी पहले जो जो क्वार्टर था यहाँ पे देख सकते हैं 188 करोड़, तो 188 करोड़ का जो टोटल प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सॉरी लॉसेस था, उसको माइनस करके ही कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो बाकी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मुझे बहुत शानदार लगा, वो है इस कंपनी के ऊपर अगर कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है, करीबन 1130 करोड़ के आसपास, और कंपनी की कर्जा कितना है 521 करोड़। मतलब कंपनी के जितने पैसे है हाथ में उससे 50% कम कंपनी के हाथ में कर्जा है। इसका मतलब इस पैसे से वो इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो अगर खुद के कर्जे को मिटा दे तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। एक चीज और, हाँ एक चीज मैं और भी दिखा दूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड लगातार इस कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है, लगातार सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी मंथ में सेल ऑफ किया, फरवरी मंथ से फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूको बैंक। देखिए यूको बैंक एक पीएससी बैंक है, और यूको बैंक के ऊपर मेरा एक एंट्री है जो कुछ इस तरीके से कफ सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इस जगह पे हुआ, मैंने इसके ऊपर एंट्री लिया और ऊपर तक गया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया, क्योंकि टारगेट मिलने से पहले इसका टारगेट इस लेवल में था उससे पहले क्रैश हो गया। इसके पीछे एक रीजन भी है, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बन रहा था, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट पाने का। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद इसी रेजिस्टेंस को बार बार वो ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे थे, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, जब नीचे आए तो इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करके बिग फॉल हो गया। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बन चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि उस लेवल तक जरूर जाएगा, मगर मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ इसको ऊपर लेके गया, और ये पे ऊपर ले जाने के बाद कंपनी देखिए फिर से उसको नीचे लेके आए, तो इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा जो इसका एंट्री लेवल है, वहां से वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली क्या बना, एक बाइंग रेंज बना, जो बाइंग रेंज बन रहा है वो करीबन 46% के आसपास बाइंग रेंज बना है। तो 46% के आसपास बाइंग रेंज बने, इसका मतलब जब भी इस लेवल को टच करेगा तो फिर से एक एंट्री लेवल बनेगा, और यहाँ से फिर से टारगेट मिलने का चांसेस है, जो 46% के आसपास फर्स्ट टारगेट निकल कर रहा है। तो ये मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सारा चीज आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके मैं काम करता हूँ। आप इस चार्ट पैटर्न को सीखिए, उसके बाद इसको बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।